और दोस्तों क्या हाल है। आज हम एक और वेस्टरोस क्राफ्ट के वीडियो के साथ में आए हैं और फिर इस वाले वीडियो में हम देख रहे हैं कासल ब्लैक जो है जॉन स्नो का मेन एरिया। तो फिर जॉन स्नो ने गेम ऑफ थ्रोन्स में अपना ज़्यादातर समय मेरे तो हिसाब से नॉर्थ में ही बिताया है और फिर उसका भी एक बहुत मेन उनका जो लोकेशन है वो है कासल ब्लैक। तो ऐसे तो कासल ब्लैक दिखने में बहुत ही छोटा है, शो में भी छोटा है और फिर इधर भी छोटा ही लग रहा है। तो फिर यहाँ पे चलो आके देखते हैं, थोड़ा नीचे से देखते हैं कैसा लग रहा है। तो फिर हम ये है क्या बोलते हैं वो रोड जिससे हम पहुँचते हैं और देखो वो है और देखो ये है वॉल और वो वॉल तुम्हें अभी इतनी छोटी सी दिख रही है, वो तो मतलब इधर तक वहाँ तक जानी चाहिए और फिर यहाँ से भी वहाँ तक जानी चाहिए, मगर क्योंकि हमने हमारा ब्लॉक रेंडर डिस्टेंस कम कर रखा है तो फिर वहाँ से आगे की वॉल अभी लोड नहीं हुई है। मगर अगर हम उसके अगर पास जाएँ तो फिर तुम देखोगे कि वहाँ पर भी वॉल लोड होने लगेगी। वो देखो वो धीरे धीरे होती है मगर जैसे जैसे जाएंगी वो होती रहेंगी, तो वो मतलब है वॉल वहाँ पे है असली में। और ये है कासल ब्लैक तो मतलब देखो यार मतलब छोटा छोटा सा है, बहुत ही ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं है और मतलब मेनली जो भी प्रिजनर्स को यहाँ तो दो ऑप्शन मिलते थे गेम ऑफ थ्रोन्स के वर्ल्ड में वेस्टरोस में कि या तो तुम मतलब मर जाओ या फिर यहाँ पे आके ड्यूटी करो। और इन लोग के भी बहुत सारे थे रूल्स कि क्या बोलते हैं ये अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते और फिर अगर भाग गए तो फिर उसका अंजाम मौत होगा। तो इसमें भी बहुत सारी बिल्डिंग्स और फिर तुम देख सकते हो जो उनका आइकॉनिक एलिवेटर है वो है हमारे सामने, वो बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हैं और फिर यहाँ पर कुछ है बिल्डिंग्स, यहाँ पे दो बड़े बड़े टावर हैं और फिर एक तो वॉच टावर है और फिर तो ये कासल ब्लैक तुम्हें पता है किसका घर है, ये नाइट्स वॉच का है घर। और मतलब ये वॉल के इस तरफ का पूरा सब देखते हैं और फिर वॉल की रक्षा करते हैं। तो फिर ये मेरे हिसाब से शायद इनका जो खाने वाला एरिया है वो है, चलो इसके अंदर जाके देखें। तो फिर तो तुम अंदर से देख सकते हो कि यहाँ पर भी विंटरफेल टाइप बिल्कुल बेंचेस बनी हैं और फिर सब इनके रहने खाने का इंतज़ाम है। और फिर ये मेरे हिसाब से ये है मेन वाली बेंच जहाँ पे जो उनका जो लीडर वगैरह है वो बैठेंगे क्योंकि ये ऊपर है और फिर और ये बाकी सब है बेंचेस। तो ये इसकी हुई बात। और यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी ऊपर सब कुछ बनाया है और क्योंकि ये थोड़ी विंटर वाली जगह है तो फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे स्टाइलिंग उसी हिसाब से की है, थोड़े से स्प्रूस के ब्लॉक्स की है शायद यूज़ और फिर ओक के यूज़ किए ब्लॉक्स, यहाँ सब कुछ पत्थर का नहीं बनाया है शायद। ऐसा कुछ होता है कि जो लकड़ी होती है वो ज़्यादा गर्म रहती है ज़्यादा समय के लिए, तो फिर एक ये हो गया। और ये नीचे क्या है, यहाँ मैंने कभी देखा नहीं, यहाँ नीचे जाके देखने चाहिए नहीं और जा नहीं सकते हैं कि अंदर शायद अंदर नहीं आ सकते, अंदर देख नहीं सकते हैं नीचे क्या है, खैर जो भी हो। और चलो एक बार ऊपर जाके देखें क्या है। और फिर ये देखो ये है इनका मेन वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी सहायता वगैरह मिलती थी और फिर यहाँ से स्पीच वगैरह दे सकते थे वो लोग। ये देखो यहाँ पे शायद लटकाते थे और भी यहाँ पे और बिल्डिंग्स हैं, यहाँ थोड़ा और अच्छा लुक मिलता है। तो चलो ऊपर से चलते हैं, ये एलिवेटर फंक्शनल है और चलो एलिवेटर से चलते हैं फिर। तो फिर आओ एलिवेटर में बैठे और फिर एलिवेटर में बैठ के फिर हम अगर दबाए यहाँ पे और देखो ये हम आ गए हैं ऊपर, ये इसी टाइप का एलिवेटर है, ये इसकी सब चीज़ें नहीं हिलती मगर हम वॉर्प कर देता है वो, हमें पूरा उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम आ गए हैं वॉल के ऊपर और फिर वॉल के आगे भी इतना सब कुछ है, ये सब कुछ तुम देख रहे हो, ये किस चीज़ के लिए बना है, यहाँ पे ये लोग यहाँ से फायर वगैरह करते थे। और फिर ये वॉल किस साइड का है जो मतलब जो अननोन नॉर्थ है ये है इस साइड, और फिर यहाँ से अगर हम अगर जाए नीचे तो फिर तुम देख सकते हो कि ये वॉल वगैरह इतनी बड़ी बनी है। और फिर ये कौन सा गेट है क्या तुम्हें ये मालूम है, ये तुम्हें है याद, ये वॉल की इस साइड पे ये वाला गेट है जो मतलब एक टाइप की पुली से बंधा हुआ है और इसे खोलने में बहुत टाइम लगता था तो आर्मीज ऑफ द नॉर्थ वगैरह इधर से ही आई थी। और इसके भी आगे भी बहुत सारा है और इसके आगे भी चेस्टर का शायद है घर, चेस्टर मैं नाम से ही बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे याद नहीं, पर इसके आगे भी बिल्कुल जो भी सब कुछ बनना था वो सब कुछ बना हुआ है।
इसके आगे एक वो था घर जो मतलब उसकी बेटियाँ थी और बहुत सारी बीवियाँ थी, और वो मतलब तुमको अगर पता ही होगा वो क्या है। तो फिर ये आगे वो है, और फिर हम लगता है कि मुझे लगता है कि वो हम कोई और एपिसोड में देखेंगे। तो फिर ये था मेरे दोस्तों कासल ब्लैक। और फिर अगर तुम्हें कासल ब्लैक का वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया तो फिर तुम इसे लाइक कर सकते हो, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो इससे चैनल चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि और क्या क्या है, हम कोई और मस्त जगह जाएंगे, जैसे कि हम जा सकते हैं बहुत सारी है जगह जगह, बिल्कुल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, और टेक केयर, सी यू, गुड बाय।